बाढ़, सूखा, जल भराव या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमीरपुर जिला में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। जिला के किसान इस खरीफ सीजन 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान और मक्की की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग उपनिदेशक जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला की सभी तहसीलों के किसान मक्की का बीजा करवा सकते हैं, जबकि धान के बीमा के लिए जिला की 3 तहसीलें हमीरपुर, नदौन और भोरंज ही अधिसूचित की गई है। कृषि विभाग उपनिदेशक जीत सिंह ठाकुर ने कहा कि फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट hpagriculture.com पर भी इस योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। किसान बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800116515 या क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार के मोबाइल नंबर 8219765301 पर भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कल ही सरकार द्वारा जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है अधिसूचना जारी हुई है, उसी के अंतर्गत हमने COVID-19 की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए एक मीटिंग का आयोजन किया, और जिसमें चूँकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो कट ऑफ डेट है वो पिछले सालों में जो 31 जुलाई तक होती थी वो इस बार कट ऑफ डेट जो 15 जुलाई तक रखी गई है, और चूँकि सिर्फ 14 दिनों का ही समय बचता था इसलिए हमने जल्दी से जल्दी सोचा कि इस बारे में जो अपने जो फील्ड के जो हमारे अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको इस बारे में बताया जाए, ताकि ये फील्ड स्तर पर जो है किसानों के बीच में जो है इस योजना का जो है लोगों के ऊपर प्रचार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो इस योजना का लाभ उठा सके। तो इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2020 के लिए 2 फसलों का चयन किया गया है, जिसमें मक्की और धान है। जहाँ तक मक्की का ताल्लुक है, ये योजना मक्की के लिए जो पूरे जिला के 6 जो हमारे विकास खंड हैं वहाँ पर कार्यान्वित की जाएगी, इसका कार्यक्षेत्र रहेगा। जहाँ तक धान की बात करें, ये हमारे जिला हमीरपुर के 3 जो हमारे विकास खंड हैं नदौन, हमीरपुर और भोरंज, वहाँ पर ये कार्यान्वित की जा रही है। बात करें हम इसकी कि जो इसका प्रीमियम कितना रहेगा, तो वो हमें मैं बताऊँगा आपको कि प्रति हेक्टेयर वो 600 रुपये इसका प्रीमियम रहेगा। प्रति किनाल की बात करें तो लगभग 24 रुपये बनता है। जहाँ तक जैसे मैंने पहले बताया कि इसका अंतिम तिथि जो है फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने आप को जो रजिस्टर करना है उसकी तारीख जो 15 जुलाई जो है निर्धारित की गई है। उसके उपरांत अगर किसान कोई चाहेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन योजना के अंतर्गत नहीं हो पाएगा। इस योजना में जो हमारा जो कुछ एक कुदरती तरह की ऐसी अड़चने आ जाती है जिससे कि हमारी फसल या पैदावार में जो कमी आती है उससे बचने के लिए इस योजना का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो है किया गया है। जहाँ तक मक्की की बात करूँ या धान की, दोनों फसलों के लिए जो हमारी बीमा राशि है वो मैक्सिमम जो है वो 30,000 प्रति हेक्टेयर है, और जहाँ तक क्लेम का ज़्यादा से ज़्यादा जो राशि है वो 90% यानी 27,000 तक उसके अंतर्गत जो है दोनों फसलों के अंतर्गत जो है वो क्लेम मिल सकता है। उन्होंने बताया कि मक्की और धान उगाने वाले बटाईदारों तथा काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्र किसान अपने फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जमीन के कागजात सहित बीमा कंपनी कार्यालय या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों के माध्यम से अथवा ऑनलाइन बीमा करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित किया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो इस बारे में अपने घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। दोनों फसलों के लिए 600 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 24 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसकी बीमित राशि 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी। कृषि उपनिदेशक ने जिला के किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
इसके अलावा इस बार जो पिछले वर्षों की भांति जो एक प्रावधान रहता था जिसमें था कि जो हमारे लोनी फार्मर्स हैं, लोनी कृषक हैं, उनका ये जरूरी था कि जो भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या किसी अन्य लोन के माध्यम से जो भी किसान लोन लेंगे उनके लिए जरूरी था कि वो उनको इसका योजना का वो अंतर्गत रजिस्टर करना होगा। पर इस साल से सरकार द्वारा ये प्रावधान रखा गया है कि चाहे वो लोनी फार्मर हों या नॉन लोनी फार्मर्स हों, तो वो उनके विवेक पर रहेगा, उनकी इच्छा पर रहेगा कि वो इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। और मैं बताऊं कि जैसे हम खरीफ 19 की बात करें तो लगभग 2,56,00,000 का 2,56,00,000 की राशि जो है इस योजना के अंतर्गत किसानों में वितरित की गई है, जिसमें कि लगभग 19,000 के दिग्गज किसानों को फायदा मिला है। धन्यवाद। आप चाहें तो ये जो काम है हमारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है। मैंने पिछले कल भी जो कि आज समाचार पत्रों में 2 जुलाई के समाचार पत्रों में छपा है उसमें डिटेल में हमने इस स्कीम के बारे में बताया भी है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये जो है हमारी चाहे बैंक में है या आपके जो लोकमित्र केंद्र है वहाँ पर जा करके आप सिर्फ अपना आधार कार्ड, अपनी जो बैंक का अकाउंट की एक कॉपी उसको लेकर के आप वो और एक फ़ोटो की कॉपी लेकर के वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं और वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना के अंतर्गत वो करवा सकते हैं।